हमारे सेटअप से यहाँ पे हमें प्रीवियस डे में जो एंट्री मिली थी आप देख सकते हैं, एक्यूरेट यहाँ पे येलो लाइन और ग्रीन लाइन का क्रॉस होने के बाद यहाँ पे हमें इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिला, हमें मार्केट क्लोज होने से पहले हमें एग्जिट हो जाना था। यहाँ पे लगभग हमें 167 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम मिला था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला हमें। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए हमें RSI जो लगाया था यहाँ पर 40 से ऊपर ही निकल रहा था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन क्रॉसओवर का और यहाँ पे बाय जिसे का भी एक ट्रिपल कन्फर्मेशन हो जाता हमारा। और यहाँ पे आज जो लाइव मार्केट चालू हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूरेट यहाँ पे हमें एक पुट साइड पोजिशन मिली थी इस क्रॉसओवर पर, और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमें एंट्री, और यहाँ पर हमें देखिएगा 285 पॉइंट का मोमेंटम हमें कैप्चर कर पाते डाउन साइड मोमेंट। हाई एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेहतरीन स्ट्रेटजी सेटअप बताने वाला हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में राइट एंट्री, राइट एग्जिट और टारगेट की बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप हम बड़ा रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस की बात आती है तो यहाँ पर अगर आप लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं। और यहाँ पे आप प्रॉफिट की बात आती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट लेते ही आप एग्जिट हो जाते हो। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको राइट एंट्री तो पता होती है पर राइट एग्जिट आपको यहाँ पे पता नहीं होता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लेते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको राइट एंट्री, एग्जिट और यहाँ पे आपका टारगेट कितना बड़ा रख सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप देख रहे हैं स्पिन स्टॉक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे बेसिकली दो इंडिकेटर यूज किए, यहाँ पे एक RSI और एक दूसरा एक DBB। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम कौन कौन सा यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे राइट एंट्री लेनी है, बेसिकली तो यहाँ पे आपको चार लाइनें दिखाई दे रही होगी, एक रेड, यहाँ पर एक ग्रीन और यहाँ पे व्हाइट और येलो। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा जब भी बाइंग करते वक्त यहाँ पर येलो लाइन और यहाँ पे ग्रीन लाइन का क्रॉस ओवर हो, और यहाँ पर RSI देखिएगा 40, 50 या फिर 60 या फिर 20 से अगर ऊपर आ रहा है तो इस कंडीशन में हमें बाइंग ही करना है। 20 से अगर प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ यहाँ पर, तो हमें इस कैंडल के ब्रेकआउट पे वेट करना है जो भी कैंडल यहाँ पे बने रहेगा। तो हम यहाँ अगर एंट्री करते तो यहाँ पे हमें एग्जिट कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर यहाँ इस क्रॉसओवर पे हमें बाइंग किया है तो यहाँ पर हमें इस दोनों के क्रॉसओवर पे हमें एग्जिट करना है। 176 पॉइंट का यहाँ पे हमें मोमेंटम मिला है। तो यहाँ पर देखिएगा येलो लाइन ने यहाँ पे इस रेड लाइन को क्रॉस करना चाहिए तब भी हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे 60 पॉइंट का अगर मोमेंटम मिल रहा है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते आगे लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, अगर यहाँ पे आपको 60 पॉइंट लगभग मिल रहे हैं या फिर 50 मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें लगाना है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया था तो उसी कैंडल का लो रहेगा हमारा SL, जो भी यहाँ पे SL बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो SL लगाया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो प्रीवियस कैंडल का लो या फिर हाई है यहाँ पर हमें लगा लेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों जैसे जैसे प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है तब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते हमें आगे बढ़ा रखे लेके जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बता दिया राइट एंट्री और राइट एग्जिट। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे कोई भी पोजीशन एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे नहीं मिली, अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो यहाँ पर हम एक पुट साइड भी एंट्री बना सकते हैं। ये येलो लाइन इसके ऊपर से होनी चाहिए और यहाँ पे इस रेड लाइन को क्रॉसओवर होने के बाद अभी देखिएगा यहाँ पर RSI जो है एग्जैक्ट यहाँ पर 60 के लाइन पे आ चुका है। मैंने बोला था यहाँ पर जब भी मार्केट 80 पे होता है मार्केट यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर तो नहीं गिरा, थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट किया, दिन यहीं पे गिरा, तो यहाँ पे हमारी राइट एंट्री यहाँ पर बनती थी। राइट एंट्री इस क्रॉसओवर पे लेना है तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे इस क्रॉसओवर पे व्हाइट और ग्रीन। दोस्तों यहाँ पर जो इफेक्टिव RSI लगाया हुआ है वो मेरा पर्सनल इंडिकेटर है, इसका स्क्रिप्ट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को दे दूंगा। बेसिकली आपको समझ जाए यहाँ पर 20, 40, 60 जो भी यहाँ पे मैंने लाइन लगाई इसमें, यहाँ पे आपको इजी से यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे आप समझ पाओ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे सेल DC और बाय DC आपको दिखाई देगा तब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी अगर यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री नहीं मिली है तो यहाँ पर आप इस क्रॉसओवर पे येलो लाइन और व्हाइट लाइन का ऐसा क्रॉसओवर हो तब यहाँ पे हमें एक पुट साइड एंट्री डायरेक्टली बना लेनी है, और जैसे इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं।
और यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो एग्जिट कहाँ करना है हमें, इस क्रॉस ओवर पे। तो यहाँ पर भी हमें 38 पॉइंट का मोमेंटम हम कैप्चर कर पाते, राइट एंट्री राइट एग्जिट। यहाँ पर भी हम बैंक की साइड एक पोजीशन मिलती थी, यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर येलो लाइन और ग्रीन लाइन का, और प्राइस देखिएगा यहाँ पर 40 से ऊपर ही निकल रहा था। यहाँ पर एक्यूरेट इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमें बाइंग पोजीशन बनानी है, और यहाँ पर बाइंग करने के बाद हमें एग्जिट क्या करना है, इस क्रॉस ओवर पे 128 पॉइंट का मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पे इस सेटअप में दोस्तों आपको यहाँ पे बस काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे आपको डबल कन्फर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पर एक RSI का, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर का। अगर यहाँ पे ट्रिपल कन्फर्मेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे BJC, इन दोनों का जब भी क्रॉस ओवर हो येलो लाइन और व्हाइट लाइन का, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इसे जो सिग्नल दिखाया उसके बाद जो कैंडल्स बनी हैं वो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हैं, और प्राइस अपसाइड मूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली राइट एंट्री और एग्जिट मैंने आपको बता दिया है। अब जान लेते हैं यहाँ पे इंडिकेटर कौन कौन से यहाँ पे हमने चार्ट पे लगाए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई इफेक्टिव RSI का हमने यहाँ पे, इसमें कोई भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। देखिएगा यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है इसको ऐसे डिफॉल्ट में रहने देना है, देन ओके। तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग में पे आ जाना है, इंडिकेटर पे सर्च करना है यहाँ पे DBB। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिकेटर लगा हुआ है BBB और EMA, ठीक है, इसको आपको चार्ट पे लगा देना है। देन दोस्तों ये आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके आपको यहाँ पे देखिएगा ऊपर की लाइन में 30 कर देना है, देन 110640। देन आपको स्टाइल में आके आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना होगा, यहाँ पे जो बेसिक लाइन लगी हुई थी इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। देन अगर यहाँ पे आपको उसका थिकनेस बढ़ाना है वो भी बढ़ा सकते हैं। देन स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, देन इनपुट में आगे पे एक बार और देख लीजिए, देन हमें इसे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको राइट एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। दोस्तों मिलेगा मैं, तब तक लिए बाय बाय।